इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो असेंबली इंतखाबात के लिए तकरीबन साल से कुछ ज्यादा वक्त बचा हुआ है, तो सियासी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। कांग्रेस की जानिब से अकलियतों को अपनी तरफ माइल करने की लगातार कोशिश होती दिखाई दे रही है। अकलियतों में खासकर मुस्लिम समाज का झुकाव पहले से ही कांग्रेस की तरफ रहा है। यह बात अलग है कि कांग्रेस ने हमेशा एक तरफा वोट देने के बावजूद कितना इस कौम को फायदा हुआ, लिहाजा कभी मुसलमान नतीजे का वोट हुआ करता था। अब तकरीबन पार्टियां मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने से गुरेज कर रही है। अब इसमें भी कौम के लीडर या कौम के दीनी रहबर जिम्मेदार है, इस पर अलग से बहस हो सकती है। पर इतना जरूर है कि भाजपा जब से इख्तदार पजीर हुई है, मुसलमानों के वोट भी उतनी ही तेजी से बढ़ते जा रहे। कांग्रेस खुद कमजोर विपक्ष के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे देखा जाए तो 2016 से अब तक 5 साबिक वजीर आला, 25 रुकने पार्लियामेंट, 170 रुकने असेंबली भाजपा की गोद में जाकर बैठ चुके हैं। कर्नाटक के पस मंजर में देखा जाए तो भाजपा के ताकत बनने वाले सभी या तो कांग्रेस के हैं या फिर जेडीएस के हैं, मतलब आरएसएस और संघीय विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले बहुत कम लोग भाजपा में। लेकिन इख्तदार का नशा हर किसी का जहनी तवाजन बिगाड़ देता है, तभी तो कुछ ओहदा मिल जाए, किसी तरह से टिकट हासिल हो जाए। इसलिए मुसलमानों को भला बुरा बोलने का नया रिवाज शुरू हो चुका है और ये कारगर भी साबित हो रहा है। तभी तो कंगना रनौत जैसी बी ग्रेड फिल्मी अदाकारा को पद्मश्री दिया गया। नाचने गाने वाली अदाकार रकम घटिया मकबूलियत बटोरने वाली को बढ़ावा भी उतना ही दिया जा रहा है। कभी इसे Z+ तहफूजी दस्ता फराम किया जा रहा है, तो कभी इसके लिए पूरा मीडिया तारीफ के पुल बांधने में मसरूफ हो जाता है। तमाम महंगाई बेरोजगारी के बावजूद भी भाजपा चुनाव में जीतती नजर आ रही है। असेंबली चुनाव से पहले कानून साज असेंबली यानी विधान परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। यकीनन इस बार कांग्रेस के लिए मौका तो है, पर क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा उठा सकती है भी सवाल है, क्योंकि लखन जारकीवाली कांग्रेस उम्मीदवार थे और अब भाजपा MLC कैंडिडेट बनने के लिए अर्जी दाखिल कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह कांग्रेस से अपना सियासी सफर शुरू कर वजारत हासिल करने वाले रमेश जारकीवाली ने कांग्रेस JDS हुकूमत को ही गिराकर भाजपा के लिए मजबूत बुनियाद रियासत में रखने में अहम रोल अदा किया। यह अलग बात है कि उसी पार्टी की जानिब से CD मामले में फंसा कर और खुद जाल में फंस कर अपने आप को मुश्किल में डाल दिया, पर लखन जारकीवाली का इस तरह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में दाखिल होना महज सियासी मुफाद हासिल करने के लिए कोई भी विचारधारा मायने नहीं रखती, एक बार फिर साबित हो जाता है। कल अकलेती रियासती सदर के तौर पर अब्दुल जब्बार साहब को जिम्मेदारी दी गई, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर बेंगलोर नारपाड़ पवेलियन में बड़े इजलास को मुनक्कद किया गया था। इस वक्त मेहमान खुसूसी के तौर पर मशहूर शायर और AICC अकलेती मोर्चा के सदर जनाब इमरान प्रताप अगड़ी ने शिरकत फरमाई थी। रियासत के तमाम कांग्रेस के जिम्मेदारान साबिक वजरात शरीक रहे, पर यहाँ पर भी कांग्रेस में कितने अंदरूनी इख्तलाफात है इसको महसूस किया गया। बेंगलोर में रहकर CM इब्राहिम और जमीर अहमद खान साहब गैर हाजिर रहे, तो इनके हिमायतों ने नारेबाजी कर जमीर अहमद खान की गैर हाजिरी पर ही सवाल उठाए, इजलास में रुकावट पैदा की। खास तौर पर साबिक वजीर आला सिद्धरामैया की तकरीर में शोर शराबा किया गया। इसी तरह DK शिवकुमार के वक्त भी इसी तरह हंगामा बर्पा किया गया। इससे यही साबित होता है कि कांग्रेस अभी इख्तदार से काफी दूर है। लेकिन क्या इस तरह के अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी को जीत हासिल करने से और भी दूर ले जा सकते हैं क्या? ऐसे तमाम सवाल खड़े होना लाजिम हो जाता। मुसलमानों के मौजूदा हालात पर भी इमरान प्रतापगढ़ी ने जोशीली तकरीर फरमाते हुए अशार का इस्तेमाल भी बखूबी किया। भाजपा को इख्तदार से दूर कैसे रख सकते हैं और भाजपा से मुल्क संविधान आईने हिंद को कितना नुकसान हो सकता है, इस पर भी रोशनी डाली गई। बेंगलोर में अकलेती मोर्चा के सदर पर जिम्मेदारी लेने की तकरीब को इतने बड़े तौर पर नहीं मनाया गया था इससे पहले अगर आप देखेंगे तो। लेकिन दूर दराज से कांग्रेस अकलेती शोबे के कारकुनों ने इस इजलास में पहली मरतबा इतनी बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई थी। बेंगलोर शहर में इस तकरीब की वजह से ट्रैफिक जाम के मंजर भी देखे गए। खैर कुल मिलाकर भाजपा को शिकस्त देने के लिए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कांग्रेस की जानिब से भी की गई, जिसमें बार बार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम लिया गया था। कर्नाटक में भाजपा की मकबूलियत में जबरदस्त गिरावट आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में कांग्रेस की हुकूमत बन सकती है, यहां तक के बेलगाम के 18 सीटों में से कांग्रेस 8 से 12 हासिल कर सकती है। पूरी रियासत में 100 से 120 कांग्रेस जीत सकती है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। MIM भी इस असेंबली में खाता खोल सकती है, तो JDS की सीटें घट सकती है, क्योंकि पिछली मरतबा JDS 37 सीटें हासिल की थी, कांग्रेस ने 80 तो भाजपा ने 104, कांग्रेस JDS ने हुकूमत तो बनाई थी लेकिन खरीदो फरोख्त की सियासत में हुकूमत गिर गई। कर्नाटक कांग्रेस के लिए
बहुत ही साजगार माहौल फिलहाल देख सकते हैं। लिंगायत व कलीगांव मुस्लिम कोरबा समाज बड़ी तादाद में रहता है, ये भी बात उतनी सच है कि मुस्लिम वोट बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लीडर यहां से वहां होते दिखाई देते हैं, पर मुस्लिम वोटर्स व कांग्रेस की मिल्कियत जो थी अब नजर नहीं आ रही है। और इसी तरह मुसलमानों का मुंतशिर होना भी एक तरह से फायदेमंद नजर नहीं आ रहा। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस जेडीएस आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी जो कर्नाटक में नहीं है, खासकर बेलगाम में इसका कायम हुआ है, इस तरह पांच जगहों पर बढ़ जाएंगे तो इसका फायदा यकीनन भाजपा को होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा का डर दिखाकर वोट कांग्रेस के लिए देने के लिए कहा जाता है या कहा जा रहा है अब भी। अब सवाल तो ये भी है कि आखिर कहां वोट दिया जाए। मुस्लिम माशरा किसी तरह मुत्तहिद होता नजर नहीं आ रहा। आज भी मसले के अख्तलाफात को लेकर एक दूसरे से तासुब है। अब और इजाफा सियासी पार्टियों में देखा जा रहा है। नई नई पार्टियां मुसलमानों को लालच देकर माइल करते देखा जा रहा है। पहले से भी मुंतशिर कौम का शजरा सियासी पार्टियों ने इसमें इजाफा करते हुए और भी तोड़ दिया है। बेलगाम की एक मस्जिद में दिगर मसलक का होने पर दुआए मगफिरत का ऐलान नहीं किया गया, तो दूसरी जगह पर एक ही मस्जिद में दो मुसल्ले बिछाए गए। कौन सही कौन गलत हमें साबित करना नहीं है। क्या जब हमारे वजूद पर ही सवाल हो तब क्या वाकई मसलक हमारे लिए कोई मायने रखता है? आखिर किस मस्जिद में किस मसलक का इमाम हो अब इतना जरूरी हो गया कि पूरा जमाना सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर हमारी जान के हमारे वजूद के दुश्मन बन जाए? क्या ऐसा कोई शख्स नहीं कि अख्तलाफात को अल्लाह के हवाले कर दे कि कोई भी किसी भी मसलक का हो हमारे लिए अब इस वक्त इत्तेहाद जरूरी है। और मुझे उन इमामों से और मस्जिद के जिम्मेदारों से ये सवाल पूछना है कि क्या वाकई आखिरत में इसी की बुनियाद पर तुम्हारे फैसले होंगे? जब आपसे अख्तलाफात में आस्तीन चढ़ाकर अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फिरका परस्त जब नबी की शान में गुस्ताखी भी करते हैं तो इनका जोश कहां जाता है? क्या आपस में ही बहादुरी का मुजाहरा करते रहोगे और फिरका परस्त के सामने तो आवाज नहीं निकलती? एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। आखिर इस इंतहा की नफरत हम लोग लाते कहां से? मतलब कम से कम इतना तो एहसास होना चाहिए कि आखिर किस आजमाइश के दौर से ये मिल्लत का बड़ा तबका गुजर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जो इस माशरे के खिलाफ कोई साजिश कोई मंसूबा नहीं बनाया जाता। खैर, तमाम जिम्मेदारान इल्मी दानिशवरान सियासी रहनुमाओं को अल्लाह और उसके रसूल की खातिर दुनियावी मुफाद को पसे पुश्त डालकर किसी इख्तलाफ का सबब ना बने। बहुत कुछ अब तक गंवा बैठे हैं, कुछ बाकी नहीं रहा है। गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक सब कुछ जलकर राख हुआ है। इज्जतें पामाल हो चुके हैं। एक दूसरे की बर्बादी का तमाशा देखना बंद कर याद रखो। फिरका परस्ती का जहर माशरे में घोलकर सियासी कुर्सियां हासिल कर एक समाज को हमेशा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी मसलक की बिना पर आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपसे इख्तलाफात के जरिए से एक तरह दुश्मनों की साजिशों को मुकम्मल करने में हम कहीं तो भी किरदार निभा रहे। पहले जाकिर नाइक पर इल्जाम लगाए गए तो हमने अपने मसलक का नहीं होने की बिना पर खुशी का इजहार भी किया। जब सलमान अजहरी नसीमानंद के साथ बहस हुई तो मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ नहीं खड़े हुए। मौलाना कलीम सिद्दीकी पर धर्म परिवर्तन के नाम पर गिरफ्तार किया गया, मतलब कैसे निशाना बनाया जा रहा है? और हम है कि आज भी मस्जिद जो अल्लाह का घर है किस मसलक के अख्तियार में होना चाहिए इस पर इंतहा तक नफरत करते हैं। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। दुनिया में किसी भी कौम को इतने मजबूत रिश्तों में नहीं पिरोया है जितना कलमे तैयबा ने हमें मजबूत बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि आप न्यूज की जगह बयान करते हो। जब इस तरह हमारा माशरा मुंतशिर होता देखता हूं तो अफसोस हो जाता है। जो भी समझ में आता है कहने की कोशिश करता हूं। कितना असर होता है मुझे मालूम नहीं है। मेरी यही गुजारिश है कि उम्मत में जोड़ का जरिया बने, तोड़ का नहीं। मोहब्बत खुलूस अकूवत भाईचारा खत्म होता दिखाई दे रहा है। आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल दांव पे लगा हुआ है। अहमद फराज का ये शेर बहुत कुछ कहता है। मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना होना, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की ना होगी। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।